एक मिनट हाँ देखो है ले बेटा तू भी पकड़ पेमी कुछ तू पकड़ पेमी तू पकड़ कहीं यस कल तक हम जिन सात बेटियों के लिए मदद की गुहार कर रहे थे और हमने जब पहली बार मैं इनके घर आया था तब मैंने ये भी कहा था कि इस परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरा है और इस परिवार से मिलने कोई नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ना सोशल मीडिया की ताकत इतनी होती है और ये पश्चिमी राजस्थान हैं, ये मारवाड़ के लोग हैं, ये राजस्थान के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं, मदद के लिए सदैव इनके हाथ आगे रहते हैं और इसी की बदौलत आज आप देखिए इन बच्चियों की मदद करोड़ों रुपए में हो रही है। तमाम भामाशाह हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उन बच्चियों को मदद कर रहे हैं। हालांकि इनके साथ जो भगवान ने किया है उसकी कमी दुनिया की कोई ताकत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जो इन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए इनको सांत्वना देने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वाकई में सैल्यूट है तमाम उन भामाशाहों का, तमाम उन लोगों का जो इन बच्चियों के लिए सहयोग कर रहे हैं। के विश्नोई जी हैं, इनके साथ पूरा ग्रुप है, आज करीब 15-16 लाख रुपए नकद लेकर यहाँ आए, इसके अलावा भी खूब मदद कर रहे हैं। और अब तक मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको नहीं बताकर कि ये कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए इन बच्चियों के लिए मदद आ चुकी है। किसी ने इन बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सातों बहनों की शादी की जिम्मेदारी ली है, किसी ने अन्य प्रकार के खर्चे की, किसी ने घर बनाने की। आप ये सोचिए कि इतनी मदद इन बच्चियों के लिए हो चुकी है इन 3-4 दिनों में, जो कल्पना से परे है। मैं के साहब से चाहूँगा कि कुछ बताएं इस घटना के बारे में, उसके बाद से किस तरीके से ये मुहिम चल पड़ी थी के साथ। देखिए, आज से मात्र 3 दिन पूर्व ये जो खेताराम भील एवं उनकी धर्मपत्नी केतु देवी की जो सड़क दुर्घटना के अंदर आकस्मिक निधन हो जाने से एवं इन सातों बच्चियों एवं उनका एक छोटा बच्चा जो अभी भी संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के साथ में, इतना बड़ा कहर टूट पड़ा इस परिवार के ऊपर, कहर टूटा। मीडिया जगत ने अपनी सूचनाएं दी, मीडिया जगत के अंदर सूचना देने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि मारवाड़ को लोग भावनात्मक व्यवहार के अंदर खूब अच्छी तरीके से जोड़ते हैं और ये एक ऐसा अनूठा उदाहरण अपने सामने पेश हुआ है कि इस दुखी परिवार को आज जिस तरीके से अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से, तेलंगाना लेकर के, गांधी से लेकर बाड़मेर जिले के छोटे मोटे सब गांवों से लेकर के 36 कौम के लोगों ने इस परिवार का जो आज सहयोग किया है, कुछ छोटी सी रकम हम लोग भी अभी 14-15 लाख की जो कि अभी तक ये संपूर्ण नहीं है, अभी तक चल रही है, प्रक्रिया में है, और भी कुछ करोड़ों के फिगर हम लोग सुन रहे हैं कि दूसरे भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों के मार्फत बैंकों के अंदर पैसा इकट्ठा हो रहा है और कई संस्थानों ने प्रशासन की तरफ से भी सुनने में आ रहा था कि इनको कुछ मदद मिलने वाली है, सुकन्या योजना के तहत मिलेगी, चाहे इनकी केसीसी ले रखी थी वो भी पैसा मिलने वाला है, कुछ एनजीओज ने इनके शादी के लिए भी आगे सातों बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, इनकी पढ़ाई कितनी अच्छे तरीके से हो सकती, ये सब चीज़ हो रहा है। जैसे कि आपने अशोक जी अभी बताया कि जो दुर्घटना हुई है, जो अविस्मरणीय घटना इस परिवार के साथ, इन बच्चियों के साथ हुई है, माँ बाप कभी भी इनको लौटाए नहीं जा सकते और अभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर लाखों लोग इनको सबकी तरफ से एक दुआ का, जैसा अभी अपन सब ने भी संकल्प लिया कि उस छोटे बालक के लिए जो इनका एकमात्र भाई है वो कैसे भी करके ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, सभी इस परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसे अपन सब ने भी कामना भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स लोग भी कह रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित अपने को घर पर लौटता हुआ दिखेगा, उसके बाद में अपन यहाँ पर सब लोग, ऐसी कामना के साथ में हम सब लोग यहाँ पर मित्र अलग अलग संगठन के